हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज है 8 अप्रैल 2022। बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड। टाटा मोटर्स की शेयर आज की डेट पे करीबन 0.5% के ऊपर हमें यहाँ पे पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। करीबन 450 रुपये का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, वो लेवल आज भी अनब्रेकेबल रहा एंड उसके ऊपर ही आज क्लोजिंग दिया। तो फिलहाल दोस्तों, जो न्यूज़ आए, टोटल दो न्यूज़ है, एक अच्छा न्यूज़ एक यहाँ पे बैड न्यूज़। तो सबसे पहले अच्छा न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, टाटा मोटर्स शेयर, जेफरीज एक बहुत बड़ा दिग्गज ब्रोकरेज कंपनी है, जेफरीज की तरफ से बुलिश ऑन द टाटा ग्रुप स्टॉक्स ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्लान। तो बेसिकली हमने लास्ट कुछ टाइम से देखा था कि टाटा मोटर्स ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का ऐसा कमिटमेंट किया, और उसके साथ साथ कंपनी यहाँ पे लॉन्च भी कर रहा है हर एक महीने कुछ ना कुछ, यहाँ पे आप बोल सकते हो हर एक साल 3-4 करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च ऑलरेडी कर रहा है। तो इसके ऊपर बेस करके दोस्तों, जेफरीज की तरफ से करीबन 540 रुपये का यहाँ पे जो टारगेट प्राइस दिया है टाटा मोटर्स के ऊपर आज के डेट पे अगर हम बात करें 450 का, और इसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा टारगेट दिया। नेक्स्ट जो दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट पे आप देख सकते हो, टाटा मोटर्स JLR यानी जैगुआर एंड लैंड रोवर से चिप शॉर्टेज कंटिन्यू टू हर्ट रिटेल सेल। तो बेसिकली दोस्तों, आज की डेट में वॉर के कारण हमें ये चिप शॉर्टेज का प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आए, जिसके कारण टाटा मोटर्स का दो प्रीमियम जो ब्रांड है जैगुआर एंड लैंड रोवर, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे चिप शॉर्टेज के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जिस वजह से दोस्तों यहाँ पे जो रिटेल सेल है उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जिस वजह से हो सकता है कि जैगुआर एंड लैंड रोवर सेगमेंट से इस बार उतना खास आपको रेवेन्यू के अंदर या प्रॉफिट के अंदर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो जिसके कारण यहाँ पे जो बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स या ब्रोकरेज कंपनीज के थ्रू। तो टाटा मोटर्स के अंदर अगर हम बात करें, जो कि पहले भी मैं आपको बताया था, इसके अंदर आप BOD स्ट्रेटजी यानी बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी से धीरे धीरे करके उठाते जाइए। आपके पास अगर शेयर है, यहाँ पे सेल करने की गलती मत करना, आराम से होल्ड कीजिए। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स के बाद अब हमारा अपडेट है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। आज के दिन काफ़ी ऊपर तक गया था शेयर, ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो 4543। उसके बाद मार्केट का थोड़ा बहुत हमें वॉलेटाइल देखने को मिला, एंड के टाइम पे तो मार्केट काफ़ी तेजी देखने को मिला। उसके साथ साथ डिक्सॉन के शेयर थोड़ा नीचे आकर ऑलमोस्ट फ्लैट में क्लोजिंग दिया, कोई बहुत बड़ा चेंजेस आज डिक्सॉन के एंडिंग के देखने नहीं मिला। फिलहाल दोस्तों, जो न्यूज़ है सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, अनिल सिंघवी 4th वर्क एनिवर्सरी एट जी बिजनेस, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी इज परफेक्ट लॉन्ग टर्म प्ले फॉर अट्रैक्टिव रिटर्न से एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिदानी। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी डिक्सॉन को बार बार प्रेफर कर रहा है, इसके पहले भी मैं आपको बहुत बार रिकमेंड किया था। देखिए, सिंपल लॉजिक के अकॉर्डिंग आप सोचिए, ठीक है, नॉर्मली कि आज की डेट पे इंडिया के अंदर IT सेक्टर यानी सॉफ्टवेयर के ऊपर जो कंपनीज है सॉफ्टवेयर बनाता है या अब बोल सकते हो IT के ऊपर सर्विस प्रोवाइड करता है, तो बहुत सारे कंपनीज मिल जाएगा, छोटे से छोटा कंपनी, बड़े से बड़ा कंपनी, इंडिया लीडिंग है, ठीक है, लीडर है आप बोल सकते हो एशिया के अंदर। बट आज की डेट पे हार्डवेयर सेक्टर में या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ जो मैन्युफैक्चर करता है, तो वो इंडिया के अंदर दोस्तों कुछ बहुत बड़ा कंपनी देखने को मिल जाए नहीं मिलेगा, एक दो डिक्सॉन जैसे बड़े कंपनी आपको मिल जाएगा। तो आज की डेट पे अगर हम बात करें दोस्तों, जो बाहर का कंट्रीज है इंडिया के अंदर भरपूर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कि ये हार्डवेयर बनाता था एक टाइम पे, हब होता था चाइना, ताइवान, नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है, ये सारे दोस्तों हार्डवेयर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत बड़े बड़े कंपनीज है वहाँ पे ताइवान। इवन आज की डेट पे अगर हम बात करें, हमारा जो डेस्कटॉप के बोलिए या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे बेसिकली आप देख लेना ताइवान चाइना का माल ही आता है। तो जिस वजह से दोस्तों यहाँ पे अभी ये धीरे धीरे जो सीन है वो चेंज हो रहा है, तो जिस वजह से दोस्तों फायदा मिलेगा ये सारे कंपनीज को, डिक्सॉन जैसे क्वालिटी कंपनी। और स्पेशल अगर हम बात करें, कंपनी 5G सर्विसेज के ऊपर भी काम कर रहा है, साथ साथ जो कुछ दिन पहले एशियर का लैपटॉप मैन्युफैक्चर करने के लिए भी बहुत बड़ा डील हुआ है, उसके साथ साथ ओप्पो वीवो के साथ भी यहाँ पे नेगोशिएशन चल रहा है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सही कंपनी। और दूसरी पॉइंट आप देखिए, ज़्यादा पॉइंट लिस्टेड नहीं है, 2017 में लिस्ट हुआ, तब से लेकर आज तक भारी भरकम रिटर्न दिया, लास्ट कुछ टाइम से शेयर के अंदर थोड़ा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, तो इसी फेज में आपको शेयर के अंदर एंट्री लेना चाहिए लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू को रख के। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारे लिस्ट में अपडेट है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। लगातार इसके अंदर मेरा लास्ट एक हफ्ते से रिकमेंडेशन मतलब यहाँ पे जो कवरेज किया मैंने टाटा पावर, इवन आज की डेट पे भी आप देख सकते हो शेयर के अंदर धीरे धीरे हमें फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिला। तो जैसे कि आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अदानी पावर को इग्नोर कीजिए, क्योंकि अदानी पावर दोस्तों बहुत ही अनस्टेबल कंपनी, अनस्टेबल कंपनी मतलब जैसे कि वो जब अपर सर्किट में चलते हैं तो हमेशा अपर सर्किट पे आपको एकदम खींच के 100% ऊपर लेके जाएगा, बट लोअर सर्किट जब लगेगा ये एकदम आप बोल सकते हो खींच के नीचे की तरह ऑलमोस्ट 50-60% आराम से गिर जाएगा, जिस वजह से मैं आपको उस टाइप की कंपनी को इग्नोर करने का ही बेसिकली रिकमेंड करता हूँ। तो देखिए कितना शानदार स्टेबल कंपनी है, बस 2 दिन पे यहाँ पे स्टेबल हो गया, बट हाँ ये स्टेबल देखने के बाद आप यहाँ पे फटाफट इन्वेस्ट मत करना, आपको हमेशा लेवल सपोर्ट
सपोर्ट को प्ले यहाँ पे मेंटेन करके प्ले करना है। खैर यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऐप, चलिए मैं आपको एक एक करके शेयर करता हूँ। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ ऐप जैसे कि ब्रोकरेज बुलिस ऑन मल्टीबैगर स्टॉक ऑन रीबस्ट अर्निंग ग्रोथ आउटलुक। तो बेसिकली टाटा पावर के अंदर यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स ब्रोकरेज कंपनीज की तरफ से हाई लेवल का टारगेट दिया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 315 का टारगेट दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो न्यूज़ यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा, देखिए हॉट स्टॉक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट टाटा पावर कैन गिव मोर देन 20% गेन इन शॉर्ट टर्म। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि शॉर्ट टर्म में भी भारी भरकम रिटर्न दे सकता है लगभग 20% के ऊपर। तो भारत यहाँ पे डायनेमिक, उसके साथ साथ टाटा कंज्यूमर को भी रखा गया इस लिस्ट में। टारगेट प्राइस करीबन 987, बहुत शानदार, ये भी बहुत शानदार कंपनी टाटा ग्रुप का। टाटा पावर के अंदर दोस्तों जो टारगेट प्राइस दिया है लगभग 351 यानी ऑलमोस्ट 350 रुपये के आसपास, जो कि अपसाइड का अगर बात करें करीबन 26%, और ये शॉर्ट टर्म बताया जा रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। आज की डेट में कंसोलिडेशन फेज में अगर आपको मिला तभी आप बाई करना, बट पहले शेयर को थोड़ा स्टेबल होने दीजिए। जैसे कि कुछ दिन पहले ही शेयर करीबन 300 के आसपास पहुंच गया था लास्ट डे, उसके बाद देखिए लास्ट एक दो दिन में थोड़ा बहुत करेक्शन, आज थोड़ा बहुत हमें स्टेबल नज़र आ रहा है। जो इसके पहले भी मैं आपको इसका बाइंग का लेवल आपको बताया था याद होगा, 260 के आसपास मिल गया तो खरीद लेना, और ऊपर की तरफ अगर आपको 300 के ऊपर स्टेबल हो जाता है शेयर तो उस केस में आप 300 के आसपास यहाँ पे बाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैं इसमें नेक्स्ट अपडेट आ रहा है विप्रो लिमिटेड, आईटी सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी विप्रो की तरफ से। विप्रो का बेसिकली एक पर्टिकुलर यहाँ पे जो जोनल अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सीईओ के चेंजेस किया, तो चलिए देख लेते हैं नया सीईओ कौन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूज़ का अपडेट आपके सामने, विप्रो अपॉइंट्स अनीश चेंचा एस सीईओ। सीईओ यहाँ पे अपॉइंट किया कौन सा जोन के लिए, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एशिया पैसिफिक इंडिया मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, ये सारे जोन पे जो जो यहाँ पे विप्रो का ब्रांचेस है उनके लिए दोस्तों यहाँ पे जो नया सीईओ को अपॉइंट किया है अनीश चेंचा को। अब इनका क्या क्वालिफिकेशन है, कितना इनका यहाँ पे एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो चेंचा कम्स विथ ओवर 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन कंसल्टिंग। तो ये जो कंपनी है मतलब कंसल्टिंग के ऊपर सेक्टर के ऊपर लगभग 2 decades मतलब लगभग 20 साल, 1 decade मतलब 10 साल, 2 decade मतलब लगभग 20 साल का इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इसके पहले अगर हम बात करें इन्होंने ग्लोबल सीईओ रहा, यहाँ पे आप देख सकते हो अर्लियर चेंचा हैड हेल्ड वेरियस लीडरशिप रोल, जैसे कि कैपजेमिनी एक बहुत शानदार कंपनी है कैपजेमिनी फाइनेंशियल सर्विस के अंदर अक्रॉस यूरोप एंड मिडिल ईस्ट के अंदर यहाँ पे लगभग यहाँ पे सीईओ था एक टाइम पे, ग्लोबल सीईओ आप देख सकते हो कैपजेमिनी का था। तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस बंदा को यहाँ पे बिठाया मतलब सीईओ के, तो बहुत ही वाइटल पोजीशन होता है सीईओ का पोजीशन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो डेफिनेटली अच्छा एक मूव है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी आप देख सकते हो आज के दिन पे टारगेट प्राइस दिया है बाइंग का, ऐड करने का रिकमेंड किया, लगभग टारगेट दिया 670 रुपये। तो कहीं ना कहीं दोस्तों विप्रो ये लेवल डिजर्व भी करता है, बट फिलहाल थोड़ा बहुत हमें इसके अंदर कमजोरियाँ देखने को मिला। तो इसके चलते आप अगर शेयर होल्डर हैं तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत शानदार कंपनी है, बस पेशेंसली आप होल्ड करते जाइए। तो दोस्तों हमारे इसमें लास्ट एंड फाइनल अपडेट बोनस शेयर। जी हाँ दोस्तों आज के दिन डिक्लेयर किया कंपनी ने बोनस शेयर स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले वीडियो अगर अभी तक अच्छा लगा समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में। तो कंपनी का नाम दोस्तों आप देख सकते हो, कंपनी का नाम है सिंधु ट्रेड बोर्ड अप्रूव 2:1 ratio पे बोनस यहाँ पे आज की डेट पे डिक्लेयर किया। और ये कोई छोटा एकदम छोटा कंपनी नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी है, मतलब एकदम माइक्रो कैप वाला कंपनी नहीं है। 128 रुपये के आसपास इसका जो एक शेयर मिल जाएगा आपको। अगर हम बात करें मार्केट कैप वाइज करीबन 6,500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो भी ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ा एक्सपेंसिव नहीं है। लास्ट 6 महीने पे 222% का रिटर्न, इवन एक साल पे भी आप देख लीजिए 2000% का रिटर्न, मतलब सबको चौंका दिया 2000% का रिटर्न। 5 साल पे भी आप देख लीजिए ये जब से लिस्ट हुआ, एक्चुअली अगर हम बात करें दोस्तों ये पुराना बहुत पुराना लिस्टेड कंपनी नहीं है, 17 में लिस्ट हुआ था, 17 से आज तक देखिए इनको बहुत भारी भरकम रिटर्न कमा के दिया, करीबन 7,500% के आसपास इनका रिटर्न्स का प्रोफाइल है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्पेशली इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से दोस्तों यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर इन्वेस्ट करना है तो छोटा मोटा उठा के देख सकते हो, लास्ट कुछ दिन से 1 महीने के अगर हम बात करें शेयर के अंदर थोड़ा बहुत हमें करेक्शन भी हुआ, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे आप छोटा मोटा इन्वेस्ट करके देख सकते हो। 2:1 ratio में बोनस मतलब आपके पास अगर एक शेयर है तो उसके साथ 2 bonus मिलेगा, एंड में आपको मतलब एग्जीक्यूशन में टोटल आपका जो एक शेयर वो 3 share में कन्वर्ट हो जाएगा। बट हम बोनस शेयर स्प्लिट को देखिए इन्वेस्ट नहीं करना, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करना है होल्ड करना है तभी जाके आप इन्वेस्ट कीजिए। तो वीडियो कहीं पर वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेटे क्या, बाय, जय हिंद।